प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 11वीं का रसायन विज्ञान विषय का पूरा परीक्षा सिलेबस। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 के पेपर में आपसे कौन कौन से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। देख सकते हो त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 का परीक्षा सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से पार्ट आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और कौन कौन से अध्याय के आपको प्रश्नोत्तर याद करने चाहिए। आज हम इस विषय को पूरा का पूरा समझने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि कौन कौन सा पार्ट आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा के पूरे सिलेबस को। तो देखिएगा आपका जो पेपर होगा ये टोटली प्यारे विद्यार्थियों 70 अंकों का होगा और इसके लिए समय दिया जाएगा 3 घंटे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा के पूरे सिलेबस को। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका रसायन शास्त्र विषय का पूरा सिलेबस, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा कौन कौन से पार्ट आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो पहला अध्याय है जिसका कि नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, तो इस पार्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में इसी का दूसरा पार्ट है जिसका कि नाम है परमाणु की संरचना, और उसके बाद में अध्याय 3 है जिसका कि नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों की आवर्तिता, और उसके बाद में अध्याय 8 है जिसका कि नाम है कार्बनिक रसायन की मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें, और उसके बाद में अगला अध्याय जिसका कि नाम है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, और इसके बाद में अगला अध्याय है जिसका कि नाम है साम्यावस्था। तो आप सभी लोग इन पार्टों को अच्छे से कंप्लीट कर लें, ये आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैंने आप सभी को त्रैमासिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए सभी पार्ट बता दिए हैं, आप सभी लोग इन इन अध्यायों को अच्छे से कंप्लीट कर लें, ये आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ पर मैंने आप सभी को सभी अध्याय बता दिए हैं जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने चाहिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को प्यारे विद्यार्थियों यहीं पर समाप्त करते हैं, और मैंने कक्षा 11वीं के सभी विषयों के ऊपर वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें और अपने सभी विषय के सिलेबस को नोट कर लें और आप लोग आगे से अब इन्हीं पार्टों का रिविजन अच्छे से करें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।